पिछले भाग में हम गणित में क्या पढ़ रहे थे? स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब जिस स्थान पर जो अंक है उसका स्थानीय मान कहलाएगा। और स्थानीय मान के अलावा एक और मान देखा था, अंकीय मान है ना, शुद्ध मान, जाति मान है ना, वो पढ़ा था। आज फिर हम कुछ नया पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठे, जो वीडियो देख रहे हैं आप भी अपनी कॉपी कलम तैयार रखिए, चीजों को साथ साथ हल करते जाएं। तो हम एक छोटे से लेवल से हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम उस लेवल तक पहुंचेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, मैंने क्वेश्चन बनाया है, अंक 5 3 4 2, क्या लिखा है, 5 3 4 2 का प्रयोग कर, इनका प्रयोग करना है, चार अंक की बड़ी संख्या बनानी इनकी मदद से, और चार अंक की छोटी संख्या, मतलब चार अंक की बड़ी संख्या व छोटी संख्या बनाइए इनकी मदद लेकर। आपको ये चार अंक दिख रहे हैं, वैसे कितने अंक है, 1 2 3 चार ही अंक है। इनकी मदद से अपने को एक संख्या बनानी, जो इनकी मदद से बनेगी बड़ी से बड़ी हो, और इन्हीं अंकों का उपयोग करके छोटी संख्या बनानी। तो आप बना के बताइए जल्दी से। तो बड़ी और छोटी संख्या बन गई, क्या बनाई, इनकी मदद से बड़ी संख्या बनानी, क्या बनानी, क्या बनेगी बताओ, बताओ। देखिए, अगर इसकी हेल्प से बनाएंगे बड़ी संख्या, कौन सी बनाएंगे, बड़ी, अगर बड़ी संख्या बनानी हो इनकी मदद से, तो इनमें बड़ा अंक कौन सा है उसको आगे लिखेंगे, इनमें बड़ा अंक कौन सा है, तो 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, तो ये बनेगा 5 4 3 2, 5432, ये बड़ी संख्या बन गई। अगर इनकी मदद से छोटी बनानी हो तो क्या बनेगी, बोलो, 2 3 4 5, है ना सरल, ठीक है। तो ऐसे संख्या बना सकते हो। अब वो आगे बोल दे योग कीजिए तो जोड़ दो, वो बोल दे घटाइए अंतर करो तो आप अंतर कर सकते हैं। आ रहे ना समझ में, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं बदल रहा हूँ अपनी कॉपी में, आप संख्या बना के मुझे बताएंगे, है ना। मैं संख्या यहाँ बदल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 7, है ना, 2, और यहाँ 3 लिख रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ, और 5, कितने अंक हो गए, 5। तो आपको 5 अंक की बड़ी संख्या बनाइए कॉपी में, 5 अंक की बड़ी संख्या बनाओ और 5 अंक की छोटी संख्या बनाओ, जल्दी से बनाइए। साथ ही जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके काम के बहुत सारे वीडियो इसके अंदर हैं। साथ ही मैं रोज डेली नए बना रहा हूँ, वो भी आपके काम के हैं, आप चीज़ों को साथ साथ हल करते जाएंगे। और मेरा प्ले स्टोर पर एक ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे जरूर डाउनलोड करें और आप अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से वहां से करें। बन गई संख्या, बन गई है ना, 7 2 3 8 5 का प्रयोग करके आपको 5 अंक की बड़ी संख्या बनानी है, कितने काय की बनानी है, 5। तो हम लिखेंगे बड़ी, और बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक कौन है, 8, 8 के बाद 7 5 3 2 2, है ना। अब इसे छोटी बनानी हो, इन्हीं की मदद से बनानी हो, तो छोटा अंक पहले लिखो, पहले क्या लिख देंगे, 2 3 5 7 8, है ना, ये बन गई बड़ी छोटी संख्या, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ठीक है, प्रश्न क्रमांक पहला, इस वीडियो का एक पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है मैंने, अंक 2 7 8 1 5, 2 7 8 1 5 का प्रयोग कर 5 अंक की बड़ी संख्या व 5 अंक की छोटी संख्या बनाइए। तो पहला क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। साथ ही जो मैंने वीडियो बनाई वो आपने जरूर देखे होंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो है, यदि ये वीडियो ठीक लग रहा हो तो आप इसको लाइक करें, अन्यथा आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं यदि ठीक नहीं लग रहा हो। देखिए क्या लिखा है मैंने, अंकों 5 4 0 2 1, ऐसा लिखा है, कितने अंक हो रहे, 1 2 3 4 और 5 संख्या, 5 अंक हो रहे ना, का केवल एक बार प्रयोग करके, मतलब हर एक संख्या को एक बार प्रयोग करना है, करके 5 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या बनेगी। तो क्या इस 5 को भी शामिल करना है क्या इसमें, क्या इस 5 को भी शामिल करेंगे इसमें,
नहीं करेंगे। ये क्या पढ़ के देखा ना आपने, अंकों 5, 4, 0, 2, 1 का केवल एक बार प्रयोग करके, पांच अंकों की बड़ी व छोटी संख्या बनानी, पांच अंकों की बनानी है, इस पांच को शामिल नहीं करना, ये हिंदी की बजाय मैंने गणित में लिख दिया, तो ये नहीं, ये यहां तक, कहां तक, 5, 4, 0, 2, 1 यहां तक, इनका प्रयोग करके आपको एक ही बार प्रयोग करना है हर एक का, और पांच अंक की बड़ी बनानी है और पांच अंक की छोटी बनानी है। चलिए कौन बना सकता है, पांच अंक की बड़ी कौन बनाएगा, चलिए ठीक है बना के बताइए जल्दी से फटाफट। तो देखिए कुछ नहीं करना था, ये 5, 4, 0, 2, 1 है ना, इसका प्रयोग करके पहले हम बड़ी संख्या बनाते हैं, तो बड़ी संख्या में सबसे पहले बड़ा अंक आगे आएगा, कौन है इन सब में से बड़ा, पांच के बाद फिर आएगा चार है ना, फिर आएगा आपका दो, फिर आएगा एक, और फिर आएगा जीरो। तो यहाँ से गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5 अंक हो गए, तो पांच अंकों की बड़ी संख्या एक बार प्रयोग करके बनाए। अब आपको बनानी छोटी संख्या, तो छोटा अंक कौन है, एक सबसे छोटा अंक है जीरो, यदि मैं आगे लिखता हूँ आप में से ऐसा भी लिख के लाए, 0, 1, 2, 4, 5 तो संख्या जरा चेक करो कितने अंक की बनी, 1, 2, 3, 4 अंक की बनी है, तो कितने आगे अंक जीरो थोड़ी है, यदि मैं जीरो को कहाँ रखता हूँ, दूसरे मैंने सिखा रखा ना आपको जीरो को कहाँ रखना है, अगर अंक की गिनती में लेना है तो जीरो को कहाँ रखना पड़ेगा, एक जीरो के बाद सबसे छोटी संख्या, फिर जीरो रख दो, फिर क्या रखेंगे, अब ये अंक में आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 ये अंक हो गया ना, ये पांच अंक की छोटी संख्या बन गई, ये पांच अंक की बड़ी संख्या बन गई, क्या बात समझ में आ गई, आ गई। चलिए थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देते, आप बताइए मेरे को, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है 7, यहाँ लिखा है 8, 0, 3, 2 है ना, अब ये बताइए अगर मेरे को बड़ी बनानी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किसको लिखेंगे, बड़ी संख्या कौन है भाई, ये 8 के बाद 7, 3, 2, 0 ये बन गई बड़ी संख्या। अब इन्हीं की मदद से पांच अंक की बनानी है तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले दो, सबसे पहले जीरो के बजाय मुझे क्या लिखना है, दो, दूसरे स्थान पर क्या लिख दूंगा, जीरो को फिर दूसरे स्थान पर रखना है, फिर क्या होगा, फिर सात और फिर आठ, है ना इजी, आ गई बात समझ में। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 दे रहा हूं, आपको हल करके बताना है, जो वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बनाया मैंने आपके लिए, अंक 3, 8, 0, 2, 1 है ना, क्या है 3, 8, 0, 2, 1 का केवल एक बार प्रयोग करके पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और इन्हीं की मदद से छोटी संख्या आपको क्या बनेगी, वो आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 डालना है और लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसका जवाब ये कि बड़ी संख्या ये है और फिर नीचे लिखना छोटी संख्या ये है, ये आपको करके बताना है। अभी पहला क्वेश्चन दिया है उसका जवाब अभी तक आया नहीं है, पहले उसका जवाब दीजिए फिर आपको इसका जवाब देना। जल्दी से लिखिए। तो यहां पर मैंने उसके बाद फिर एक पैटर्न में चेंज कर दिया, थोड़ा सा परिवर्तन किया है, क्वेश्चन सेम है, प्रैक्टिस के लिए सभी काम हो रहा है, आप जितने अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपने परफेक्टनेस आएगी, ठीक है परफेक्ट हो जाओगे। तो क्या लिखा है, अंक 7, 8, 2, 5, 6 का केवल एक बार प्रयोग करके पांच अंकों वाली बड़ी व छोटी संख्या का योग होगा, इनका प्रयोग करके आपको क्या करना है, पांच अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनानी, उसका योग करना है। जल्दी करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। हाँ, इनका प्रयोग करके आपको बड़ी, चलो बोल दीजिए सब लोग, आप बोलो सबसे पहले बड़े में क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे ना, 8 के बाद 7 के बाद 6 लिखेंगे ना, फिर 5 फिर 2 अब छोटी बनानी है तो सबसे पहले छोटा अंक कौन है, 2 फिर 5, 6, 7, 8 ये हो गई, इसका योग करना है, क्या लिखा है, योग है ना, तो बड़ी और छोटी का योग करना है, तो आप जोड़ देंगे तो क्या आएगा बताइए, 8 और 2, 10 हासिल आया आपका, कितना हो गया, 7 और ये 8
सात और आठ हो गया है ना, बताइए कितना होगा। ये हासिल इधर लगा दिया तो ये छह हो गया और सात, छह और सात कितना होता है तेरह का तीन, फिर हासिल आया एक, बताइए कितना हो गया तेरा, फिर हासिल कितना आया एक, कितना हो गया तेरा, फिर हासिल आया एक, कितना हो गया ग्यारह, ए उत्तर आया एक तेरह तैतीस जीरो, ये वाला उत्तर आपका आना चाहिए, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर तीन बना दिया मैंने, है ना, अंकों तीन पांच जीरो छह चार, इसका प्रयोग करके एक बार प्रयोग करना हर अंक का, आपको पांच अंक की बड़ी संख्या बनानी इनकी मदद से और पांच अंक की छोटी संख्या बनानी इनकी मदद से, और उस संख्या का आपको दोनों को बनाने के बाद उसका जो योग करना मतलब जोड़ करना, तो ये क्वेश्चन नंबर तीन है, इसको आप हल कीजिए और आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इन दोनों को जोड़ना है और योग करना है, पहले संख्या बनेगी इनकी मदद से पांच अंक वाली बड़ी, फिर बनानी है छोटी और योग करके बताइए। इसी प्रकार में क्वेश्चन नंबर चार बनाया आपके लिए, देखिए क्या लिखा है, अंकों पांच छह जीरो आठ और एक, क्या लिखा है पांच छह जीरो आठ और एक का केवल एक बार प्रयोग करके पांच अंकों की बड़ी छोटी संख्या का अंतर होगा, अंतर समझते ना अपन, क्या करना है बस माइनस करना है। तो क्वेश्चन नंबर चार आप लोग अभी हल कीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां से आपका आंसर वहीं पर आपको लिख के बताना है। क्वेश्चन नंबर चार है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसको हल कीजिए, जल्दी से करो आप सभी लोग, जल्दी से इसको हल करो। अंतर मतलब क्या होगा, घटाव करना, माइनस करना है ना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को आपको बनाना है और उसके बाद इसको माइनस करना है। देखिए क्वेश्चन है जो आपके पुराने पेपर में पूछा गया है ना, लगभग 2013 वाले पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि अंकों 6, 4, 2, 1 तथा शून्य यानी कि जीरो, क्या लिखा है 6, 4, 2, 1 तथा जीरो, हमने जो प्रैक्टिस करी है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सवाल हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा। 6, 4, 2, 1 तथा शून्य लिखा है ऐसा, का केवल एक बार प्रयोग करके पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी, और यहां पर मैंने चार ऑप्शन दे रखे ए बी सी और डी, यहां पर चार ऑप्शन है, तो आप देखिए ध्यान से देखिए 6, 4, 2, 1 और जीरो का प्रयोग करके आपको पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो यहां लिखा 1, 2, 4, 6, 0 पांच अंक है, 0, 1, 2, 4, 6 पांच अंक है क्या, नहीं है, चार ही अंक दिख रहे हैं, एक शून्य आगे लगाने से अंक नहीं बनता, 6, 1, 0, 2, 4 और 1, 0, 2, 4, 6 तो यहां पर कौन सा ऑप्शन, आप ध्यान से देखें कौन सा ऑप्शन सही है, डी, ये डी वाला सही है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि हमें शून्य को दूसरे स्थान पर रखना है तो हम छोटी संख्या, तो इस पैटर्न के कई क्वेश्चन पूछे ना वो दे, ठीक है समझ में आ गया ना, तभी क्या जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है आया समझ में। ये वाला क्वेश्चन भी पुराने पेपर में पूछा गया है, आप क्वेश्चन देखिए पांच अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, पांच अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर है, तो आपको मैंने बड़ी और छोटी लिखना बताई दी, आप देखिए इसको पांच अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या पांच अंक वाली उसका आपको अंतर निकालना है। ऑप्शन नंबर एक पर एक लिखा है, यहाँ बी पर 900 लिखा है या 9000 लिखा है और यहाँ डी पर ये लिखा है, तो क्या उत्तर होगा आप हल करके बताइए, डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं क्या आगे समझ में, कर लिया वेरी गुड बताइए, बहुत बढ़िया सही है आपका जवाब वेरी गुड। यदि आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो आप पुराने वीडियो देखिए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मैंने बना रखे हैं, इससे पहले वाले भाग को देखिए आप, उसमें मैंने सारी चीजें आप क्लियर करवा रखी है, बताइए बहुत बढ़िया वेरी गुड बताइए अपना, हाँ सही है बताओ सही है बताओ सही है, लगभग सबका सही है। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत सरल है, पांच अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने आपको बड़े में क्या याद रखने का बोला था, नो तो ये कितनी बार लिखूं कि पांच अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती, पांच बार नो अपनों ने लिख लिए, ठीक है ये पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या है और इसे छोटी बनाओ, पांच अंक में छोटी में क्या याद रखना, एक के पीछे शून्य लगा दो
चार, क्या बन गई? पांच अंक की छोटी बन गई। ये पांच अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है और ये पांच अंक वाली सबसे, इसका अंतर निकालना था, माइनस करना, अंतर मतलब नो, फिर ये नो, फिर ये नो, फिर ये नो, और नो में से एक गया तो ये जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आपको छोटा और बड़ा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए एक अंक में एक अंक लिखते अपन ऐसे लिखते ना, कहां तक लिखेंगे? नो तक। जैसे दस लिखेंगे कितने अंक दिखेंगे? दो। तो एक अंक का छोटा ये हो गया, एक अंक में बड़ा कौन? नो। अच्छा दो अंक कहां शुरू हो रहा? कहां तक चलेगा? तो दो अंक में छोटा ये और बड़ा कौन? अच्छा इसके बाद क्या आता है? कितने अंक दिख रहे उसमें? तीन अंक दिख रहे उसमें। तो तीन अंक यहाँ से शुरू हो रहा, खत्म कहाँ हो रहा? तो हमने देखा कि ये बड़ी संख्या होगी और ये छोटी, ये कौन सी होगी? कितने अंक में? दो अंक। और ये छोटी, ये कितने अंक में दिख रही? एक अंक की छोटी है कि बड़ी है? बड़ी, बड़ी। और ये छोटी। उसी प्रकार पांच अंक की बड़ी बनानी हो ऐसा लिखेंगे, पांच अंक की छोटी बनानी हो ऐसा लिखेंगे, है ना? ये मैंने पहले समय देकर आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है?